शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत बायोटेक द्वारा किए गए कोवैक्सीन का मानवीय परीक्षण गिल्लुरकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नागपुर में शुरू हुआ है। डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर की देखरेख में स्वास्थ्य जांच से चुने गए स्वयंसेवकों को यह टीका दिया जा रहा है। जिन स्वयंसेवकों को टीका दिया गया वे सभी इस प्रक्रिया में भाग लेने से खुश है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक होने की जानकारी डॉक्टर गिल्लुरकर ने दी है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने तेजी से पांव पसारे है। इससे निजात पाने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। इस श्रृंखला में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन का मानवीय परीक्षण देश में 12 सेंटर पर किया जा रहा है, जिसमें शहर के डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर इनके गिल्लुरकर मल्टी स्पेशलिटी को भी इस मानवीय परीक्षण के लिए चुना गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर के देखरेख में स्वास्थ्य परीक्षण से चुने गए स्वयंसेवकों को यह टीका दिया जा रहा है। डॉक्टर गिल्लुरकर ने बताया कि अभी तक 3 लोगों का मानवीय परीक्षण हो चुका है, जिन्हें टीका लगाने के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वह फिलहाल उनकी निगरानी में है। भारत बायोटेक द्वारा जो है कोवैक्सीन मानवीय परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें नागपुर शहर के डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर इनको भी यह जो है चांस मिला है कि मानवीय परीक्षण किया जाए कोरोना के चलते जो कोवैक्सीन बनी है उसका। तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर है, उनसे जानते हैं कि अभी तक 3 जो लोग हैं उन्हें उनका मानवीय परीक्षण हो चुका है, मतलब कोवैक्सीन उन्हें दी गई है, क्या प्रक्रिया पूरी है उनसे जानते हैं। देखिए, ये भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पूना, ये तीनों के संयुक्त विद्यमान से ये जो वैक्सीन बना है जिसका नाम कोवैक्सीन रखा है, ये कोवैक्सीन का जो ट्रायल पूरे अपने भारत देश में 12 सेंटर्स में शुरू हुआ है, जिसमें अपना एक सेंटर है। इसमें 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। तो फिलहाल फेज 1 के पहले 50 पेशेंट एम्स दिल्ली, एम्स पटना, उसके अलावा रोहतक PGI रोहतक और निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद वहाँ पे हुआ है, और उसके बाद बाकी सेंटर्स में ये इंडिया में शुरू हुआ है। ये प्रक्रिया में ऐसा है कि हम लोग ये जो हेल्दी वॉलंटियर्स है उसमें ये कोवैक्सीन का स्टडी कर रहे हैं, रिएक्टिविटी देख रहे हैं, टॉलरेबिलिटी देख रहे हैं, उसमें इम्यूनोजेनिसिटी देख रहे हैं, सेफ्टी देख रहे हैं। तो 18 से 55 ये उम्र के जो भी हेल्दी वॉलंटियर्स है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई एलर्जी नहीं है, उनको अस्थमा नहीं है या कोई डिसीज़ नहीं है, या जिनको कोरोना नहीं है या कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, उनकी हम लोग स्क्रीनिंग करके, जांच करके ब्लड टेस्ट भेज रहे हैं। ये ब्लड टेस्ट दिल्ली में जा रही है, जिनके पूरे रिपोर्ट्स 3 दिन के बाद आते हैं। 3 दिन के बाद रिपोर्ट्स आने के बाद जो वॉलंटियर्स का टेस्ट नॉर्मल रहता है, जो पास होते हैं स्क्रीनिंग में, उनको हम वैक्सीन के लिए रिक्रूट करते हैं, जिसमें से कल हम 3 लोगों को वैक्सीन दिया है। उसमें एक 25 साल का लड़का है, एक 31 साल के एक आदमी थे और एक 53 साल की एक लेडी थी। ये तीनों को कल हमने दोपहर को वैक्सीन लगाया, और वैक्सीन लगाने के बाद 2 घंटे हमने उनको ऑब्जर्व किया अपने यहाँ पे, और 2 घंटे उनको कोई भी तकलीफ न होने के बाद उनको हमने घर भेज दिया। आज सुबह ही मैंने उनसे बात किया, वो सुबह एकदम अच्छे थे दोनों, किसी को कोई तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैक्सीन देने के बाद हमें हर टच में रहेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे। 14वें दिन हम उनको बुला रहे हैं, 14th डे को 14वें दिन उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, चेकअप करेंगे, और ब्लड लेने के बाद उनको वैक्सीन का दूसरा डोज लगाएंगे। ये दूसरा डोज लगाने के बाद फिर से 2 घंटे इनको ऑब्जर्व करेंगे और घर भेजेंगे, उसके बाद में भी हम लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे। फिर 28वें दिन उनको फिर से बुलाएंगे, उनका ब्लड चेक करेंगे, वो ब्लड दिल्ली जाएगा। और ये ब्लड में क्या होता है, तो ये जो वैक्सीन देने के बाद उसके शरीर में कितने प्रमाण में एंटीबॉडीज़ वो कोरोना के अगेंस्ट में तैयार होती है, कितने प्रमाण में होती है, उसका स्टडी किया जाएगा। उसमें IgA प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन्स रहते हैं, CD4 CD8 काउंट्स रहते हैं, इंटरलिक्विंस रहते हैं, ये सब टेस्ट किए जाएंगे, और उसकी मात्रा कितने प्रमाण में बढ़ती है उसका अभ्यास किया जाएगा। ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है। और 28 दिन के बाद में भी 2-3 विजिट्स और है, 42nd डे को है, 104वें दिन है, 194वें दिन है, उस दिन भी उनका ब्लड टेस्ट करके उनका एंटीबॉडीज़ कितने दिन तक बना रहता है शरीर में, ताकि उनको फिर से दूसरा कुछ डोज लगाना पड़े, ये अभ्यास किया जाएगा।
कल 3 लोगों को दिया था और आज और 3 लोगों को दिया है, चौथा भी देने वाले हैं। उनका उनका सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कंफर्टेबल है। बाकी उनके जो वर्टल्स हम लोग चेक कर रहे हैं वो सारे भी नॉर्मल है और खुश है, कंफर्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। तो जिस तरह से भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन जो निर्मित की गई है उसका जो है नागपुर के गिलुरकर अस्पताल में मानवीय परीक्षण किया जा रहा है, अभी सबकी नज़रें जो है इस वैक्सीन कोवैक्सीन की तरफ टिकी हुई है ताकि ये सक्सेस हो जाए और जो कोरोना की संकट पूरे देश और पूरे विश्व पर है वो कहीं ना कहीं थमने में ये कोवैक्सीन हमें मदद करे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।